तो ये शरबत की रेसिपी तो आपको ट्राई करके ज़रूर से देखनी ही है, और बाकी कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मैं पूरी डिटेल में अच्छी तरह समझा रही हूँ। मैंने केसर वो चंदन का बुरादा भी बता दिया कि मैंने इस तरह से लिया है। तो अब गर्मी पड़ने लग गई है और आ गए हैं पहली स्पेशल समर रेसिपी के साथ। तो हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी चंदन केसर शरबत, जो कि गर्मियों में काफी ठंडक भी देगा पीने में, और इसको पीने से त्वचा में ग्लो भी आता है और काफी फायदा करता है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये चंदन लिया है। चंदन कई क्वालिटी का आता है, तो आप दुकान वाले से बोल दें कि भाई अच्छी क्वालिटी का चंदन दे और इसमें खुशबू देख ले। तो मैंने इस तरह का मंगाया, ये बुरादा है। इसमें लकड़ी भी टाइप भी आता है, जैसा भी आप लेना चाहते हो वैसा आप ले सकते हो। तो मैंने ये वाला लिया है। तो मैंने ये 2 चम्मच इस तरह से फूल भर के लिया था और रात को भिगो दिया था। ये भीग के रेडी हो गया, अब इसे हमें छानना है। तो मैं इसे इस कपड़े से छानूंगी ताकि पूरा इसमें से निकल जाए। थोड़ा सा इसमें और पानी डाल लेंगे ताकि जो भी होगा इसका चंदन का फ्लेवर वो सभी निकल जाए। इस तरह से कर लेंगे, टिप करते हैं, इसका पूरा निचोड़ लेंगे। तो ग्राम में नापे तो मैंने 10 ग्राम लिया है। 10 ग्राम चंदन में एक बोतल बन जाता है, और मैंने आधा किलो चीनी ली है। कप से नापे तो 2 कप है और ग्राम में 500 ग्राम है। 10 ग्राम तो चंदन हो गया, और 500 ग्राम चीनी लिए। 500 ग्राम चीनी और ये चंदन आपको डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिल जाएगा। बाकी उससे कहे कि अच्छी क्वालिटी का दो आप, क्योंकि कई क्वालिटी इसमें लो भी बिल्कुल आता है, तो अच्छी क्वालिटी का ही लाए, चाहे से थोड़ा महंगा है। हाँ, महंगा तो आएगा। तो ये हमने पूरा इसका निकाल लिया, अब इसमें कोई फ्लेवर है नहीं, तो अब इसे हम हटा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। ये मैंने कढ़ाई ली है, तो 500 ग्राम हम चीनी डाल देंगे इसमें। आधा कप पानी मैंने भिगोने में डाला था और 1 कप पानी मैं यहाँ डाल रही हूँ। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो थोड़ा हमें पकाने में ज़्यादा समय लगेगा, तो हमें एक तार की चाशनी से ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। बस एक तार के थोड़ा कम बनते ही हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थिक होता है, तो हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। बाकी 2 कप पानी भी आप आधा कप और पानी इसमें डाल सकते हो। तो मैंने टोटल 1.5 कप पानी, आधा कप इसमें है और 1 कप ये है। तो चीनी को गलने देंगे। ये मैंने केसर लिया, तो केसर भी हम थोड़ा सा भिगो देते हैं। ये मैं पूरा ले लूंगी। अगर आप केसर नहीं डालना चाहते हो तो आप येलो फूड कलर भी, केसर वाला कलर डाल सकते हो, लेकिन केसर वाला कलर डालने से कोई फायदा नहीं है। केसर ही डालो तो ज्यादा बेटर। तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी और इसे हम फेंट लेंगे। केसर भी ठंडी, मतलब केसर भी काफी टेस्टी लगती है, और चंदन दोनों ही चीज, और बाजार से लाओगे तो काफी महंगा पड़ता है, और घर का शुद्ध है। बाजार में तो ओनली चंदन का फ्लेवर आता, वो आता होगा एसेंस, और हम डाल रहे हैं चंदन फ्लेवर। लेकिन ओवरनाइट भिगोना है चंदन को। ओवरनाइट भिगो दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब आपको पता है कि हमें बनाना है तो आप पहले से भिगो के रेडी कर लीजिए, मतलब 12 से 15 घंटे। हाँ, ज्यादा भी भीग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस चीनी को गलने देंगे और इसे हम फेंट लेंगे। तो ये शरबत की रेसिपी तो आपको ट्राई करके ज़रूर से देखनी ही है, और बाकी कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मैं पूरी डिटेल में अच्छी तरह समझा रही हूँ। मैंने केसर वो चंदन का बुरादा भी बता दिया कि मैंने इस तरह से लिया है, और अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो उसे पकाने में ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा पकाएंगे तो चंदन का फ्लेवर
खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कम ही पानी डालने, बस चीनी गलने के बाद हमें ज्यादा देर नहीं पकाना। इसे बनने में कम मुश्किल से 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो केसर की मैंने आधी डिब्बी डाली है, एक थी फुल, इसकी आधी डाली है, तभी कोई फ्लेवर आएगा अच्छा। तो केसर और चंदन में कंजूसी नहीं करें, दोनों चीज जैसे मैंने बताई है वैसे ही आप डालें। और हम इसमें डालेंगे साइट्रिक एसिड, इसे नींबू का सत भी बोलते हैं। तो 1/4 चम्मच करीबन लिया, ज्यादा नहीं लिया। इसको डालने से चाशनी हमारी जमेगी नहीं, बाकी तो आप इसे नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। और नींबू का सत नहीं होता, आप आधा नींबू का रस भी डाल सकते हो। चीनी को गलने देंगे, कंटिन्यू चलाते रहे, पूरा मैं 1 टेक में ही बता देती हूँ। चीनी इसमें गल गई है और मैंने जो छाना था उसमें थोड़ा सा पानी और डाल लिया, ताकि जो भी और एसेंस है इसमें चंदन का वो निकल जाएगा। इसमें डाल दूंगी तो ये हमारा आधा कप पानी हो गया। अब इसे मैं डाल दूंगी और जो हमने ये केसर भिगोई थी इसे भी डाल देंगे, ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छी तरह आ जाएगा। खुशबू आने लग गई केसर की और चंदन की। गैस फुल कर दूंगी मैं, 7 में मैं इलायची पाउडर भी डाल दूंगी। तो मैंने 1/2 चम्मच इलायची पाउडर लिया, इसे बिल्कुल बारीक लिया है, इसे छान लिया है। और अब इसे 5 मिनट करीबन तो मैं पकाऊंगी, फिर आगे देखते हैं कितनी देर पकाना है हमें। बस थोड़ा सा ही हमें गाढ़ा करना है। कोई इसमें एसेंस डालने की आवश्यकता नहीं है, और चाहो तो आप इसमें एसेंस डाल सकते हो, चंदन वाला एसेंस आता है। तो इसे गाढ़ा होने देंगे थोड़ी देर। तो इसे मुझे कम से कम 5-7 मिनट हो गए पकाते हुए, मैंने फुल आंच पे ही पकाया था। और इस तरह से रखना है, मैंने चेक भी कर लिया है, देखिए मैंने इस तरह से इसमें डाल लिया है। और बस इस तरह से ही बनना चाहिए, ज्यादा नहीं बनना चाहिए। अगर हम ज्यादा बना लेंगे तो फिर ठीक हो जाएगी, ठंडी होने के बाद ठीक हो जाएगी। अब चाहो तो आप थोड़ी पतली रख के भी आप इसी तरह रहने दो, और अगर थोड़ी थिक हो जाती है तो आपको नींबू का सब डालना पड़ेगा। इससे आपका ज्यादा दिन तक भी शरबत चलेगा और इसमें टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैं ये डाल दूंगी, और इसमें दूध में भी हम बनाएंगे, इसे ठंडे में ही बनाएंगे तो दूध कहीं भी नहीं फटेगा। काफी व्यूअर्स कहते हैं कि साइट्रिक एसिड डालने से दूध फट जाएगा, दूध हम ठंडे में ही ठंडा बनाएंगे, गर्म तो हम बनाएंगे ही नहीं। बस 1 मिनट और पका लेते हैं, देखिए इस तरह से रहेगा। इधर दिखा दीजिए, बस यही है, और ये ठंडा होने के बाद और थिक होगा। तो मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैं बनाऊंगी शरबत, आपको शरबत बना के बताऊंगी। देखिए इस तरह से, देखिए अभी कितना पतला है और ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा होता है, वो आपको बाद में पता चलेगा। देखिए ये हमारा शरबत ठंडा हो गया और मैंने बोतल में डाल लिया है। जब हम इसे फ्रिज में रखते हैं तो बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, तो आप ये घबराइए नहीं कि हमारा शरबत इतना पतला क्यों है। तो उतना ही पतला रखना है जितना मैंने आपको बताया। अगर आप थोड़ा गाढ़ा कर लोगे और फ्रिज में रखोगे तो ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो हम शरबत बनाएंगे, मैंने ठंडा दूध लिया, पहले हम मिल्क शेक बनाएंगे फिर हम शरबत बनाएंगे। तो क्वांटिटी देख लेते हैं, 2 चम्मच डालेंगे बस, ज़्यादा नहीं। और 2 चम्मच ही हम पानी वाला शरबत बना रहे हैं। चाहो तो आप
चीनी की मात्रा बनाते समय बढ़ा सकते हो। और मैं इसमें पानी डाल दूंगी। मेहुल ने तो टेस्ट भी कर लिया। बिल्कुल, मैंने ये पानी वाला टेस्ट करके देख लिया तो एकदम परफेक्ट बना है। जो बाजार का होता है मैं तो बोलूँगा उससे भी अच्छा बना है। बाजार में तो हो सकता है कई तरह के एसेंस या और कई चीज़ें डालते हों, लेकिन ये एकदम परफेक्ट और ओरिजिनल लग रहा है। सभी चीज़ ओरिजिनल डाली है, बाकी दिखने में ही पता लग जाता है। देखिए एकदम, तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता ही है ये वाली। अभी से हम फेंट लेंगे, चाहो तो बिना फेंटे भी बना सकते हो। तो ये हमारा दूध वाला बन गया और ये पानी वाला। देखिए आप थोड़ा सा केसर को फेंट भी सकते हो। तो इस तरह से आप चंदन केसर का शरबत बनाइए और गर्मियों के मौसम में पीजिए और स्वस्थ रहिए।